हाय फ्रेंड्स, आज मैं सुरन की सब्जी बनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। फटाफट बना लूंगी मैं। पहले मैंने पहले से ही सुरन काट के छिलके काट के रखा है, बॉयल नहीं किया है। तो सबसे पहले कढ़ाई में तेल डाल देंगे। तेल जब गर्म हो जाए तो उसमें जो सुरन काट के रखा हुआ है आपने, वो डाल के फ्राई करके निकाल लें। बॉयल नहीं करना है सुरन को, फ्राई करके निकाल लें। फिर जब पूरा सुरन फ्राई हो जाए तो अब सब्जी की तैयारी शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने हरी मिर्च डाला है, उसका बारीक कटी हुई प्याज डाला है। अब प्याज को अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। यहाँ देखिए, प्याज अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। तो अब मैं इसमें बारीक कटे हुए टमाटर डाल दूँ, एकदम बारीक कटे हुए टमाटर, ताकि टमाटर बहुत जल्दी प्याज के साथ फ्राई हो जाए। और यहाँ देखिए, टमाटर और प्याज दोनों अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। तो अब मैं डाल रही हूँ हल्दी। हल्दी के साथ ही लाल मिर्च पाउडर, उसके बाद मैंने नमक डाल दिया है स्वाद के अनुसार। और इसको अब अच्छी तरीके से चला दें, ताकि अब हल्दी और मिर्च भी अच्छी तरीके से सॉरी फ्राई हो जाए। ये देखिए, मसाला जो है तेल छोड़ने लगा है। तो इसका मतलब मसाला, टमाटर, प्याज, हल्दी, मिर्च सब अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। तो अब जो सुरन हमने फ्राई करके रखा था उसे डाल देंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, बहुत ही इजी वे में बना रही हूँ और एकदम कम मसाले, मतलब मसाला मैंने डाला ही नहीं है। तो ये देखिए, यहाँ पे इसको 1 से 2 मिनट के लिए एकदम सेम आंच पे कवर करके रख देंगे। और यहाँ देखिए, हमारी जो सुरन की सब्जी है लगभग रेडी हो चुकी है। तो अब यहाँ पे क्या है कि यदि किसी को फ्राई रखना है तो फ्राई रख सकता है भुना हुआ सुरन, सुरन की भुजिया। और यदि किसी को पानी डालना है तो वो पानी भी डाल सकता है। तो मैं थोड़ा सा हल्का इसमें पानी डालूंगी ग्रेवी के लिए। थोड़ा सा मैंने आमचूर पाउडर डाला, 1 चम्मच से 1.5 चम्मच आमचूर पाउडर लगेगा। आमचूर डालने के बाद अच्छी तरीके से चला दें। बस अब बस इतना ही पानी मैं डाल रही हूँ। और यदि आप लोगों को मसाला वाला ज्यादा मसाला डाल के बनाना है तो वो भी आप बना सकते हैं, पर मैं आज थोड़ा इजी और सिंपल वे में रखना चाह रही थी कि ज्यादा मसाला ना रहे सब्जी में। ये देखिए, हमारा सुरन का सब्जी बन के तैयार हो चुका है, बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से।